नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट के बारे में। जानेंगे हम इसके मुख्य यूज के बारे में, डेली डोजेज के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में, और बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के विषय में। और हम यह भी जानेंगे कि यह मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलता है मेडिसिन। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट के बारे में। अगर हम बात करें कि किस प्रकार की मेडिसिन होती है, तो यह एक एंटीबायोटिक्स होता है जो कि शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर देखा जाए कि कौन कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, कौन कौन से मुख्य इन्फेक्शन में डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है, तो डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट का जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वह स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअली प्रॉब्लम जैसे कि गोनोरिया की प्रॉब्लम में डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट दिया जाता है। सिफिलिस के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फीवर में भी एंटीबायोटिक के रूप में डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए इसके मोड ऑफ एक्शन के विषय में कि किस प्रकार से यह मेडिसिन बैक्टीरिया को किल करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट होता है, जो बैक्टीरिया के लिए उपयोग में आने वाले मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं उनको इनहिबिट करके उनको रोक देता है, यानी कि जो आपका बैक्टीरिया को मिलने वाले प्रोटीन होता है वह नहीं मिलने देता है, उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वह ख़त्म हो जाते हैं। अगर डोजेज की बात किया जाए कि डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट का डोज क्या क्या हो सकता है, तो इस टेबलेट को दिन में एक या दो बार ले सकते हैं। जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से इसका डोज डिसाइड किया जाता है कि इसको दिन में एक टेबलेट देना है या फिर दिन में दो टेबलेट देना है। अगर साइड इफेक्ट की बात किया जाए कि डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट का साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो जिस प्रकार से अन्य एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट होते हैं उसी प्रकार के इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इसके अलावा स्किन में सेंसिटिविटी जैसे यानी कि लाल टाइप के चकत्ते पड़ जाते हैं, और गैस बनने जैसी संभावना देखने को मिलती है। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन के साथ साथ जैसे कि अभी हम डॉक्सीवन LDR4 टेबलेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल्स होता है, यानी कि जो लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, तो जो डॉक्सीसाइक्लिन आपका कंपोजिशन हो गया है तो आपको बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है यह एक प्रकार की बैक्टीरिया ही है लैक्टिक एसिड बेसिलस। तो जैसे अन्य जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इसको लेने से आपका फायदा यह है कि जो डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन होता है, ड्रग्स होता है, वह बैक्टीरिया को तो किल कर देता है लेकिन बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। जो लैक्टिक एसिड बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं इनको शरीर के अंदर इसके साथ साथ अलग से दे दिया जाता है कि यदि जो अच्छे बैक्टीरिया की जो क्षति हुई है वह यह पूरा कर दे, यानी कि लैक्टिक एसिड बेसिलस जो बैक्टीरिया होती हैं यह पूरी तरह से उनको रिकवर कर दे, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन के साथ साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस का भी उपयोग करना चाहिए। तो आप जब भी डॉक्सी 1, डॉक्सी 100 किसी भी प्रकार के डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट का उपयोग करें तो साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस वाले जो कंपोजिशन होते हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। अगर हम इनके ब्रांड नेम की बात कर लें कि कौन कौन से ब्रांड नेम में आपको मार्केट में मिल सकता है, तो एक तो आपका डॉक्सी 1 के नाम से आता है, दूसरा आपका होगा डॉक्सी 1 LDR4 हो गया, तीसरा डॉक्सी 100 के नाम से आता है, इसके अलावा वाइब्रामाइसिन जैसे ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।